नमस्कार, मैं हूं राजीव गुप्ता और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से घमाचान चल रहा है, आप अक्सर सोशल मीडिया पे या टीवी पर देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश में इस समय स्थिति क्या चल रही है। कोई कहता है कांग्रेस की सरकार गिरने के कगार पर है और कोई कहता है बीजेपी की सरकार बनने के कगार पर है। राजनीतिक समीकरण इतनी गरमाई हुई है कि पल पल का अपडेट जो है आप लोग टीवी में बैठकर देखते रहते हैं। आज हम मौजूद हैं सिहावल विधानसभा क्षेत्र पर, जहां पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का विधानसभा क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर आज हमारे साथ में ब्लॉक अध्यक्ष नारायण सिंह उपस्थित हैं। हम जानते हैं कि क्या समीकरण हो सकता है, जो इस समय घमासान मचा हुआ है तो क्या स्थिति बन सकती है। नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद आपका। क्या लगता है आपको कि सरकार जिस प्रकार से पोजीशन आज की है, तो आपको क्या प्रतीत होता है, सरकार बच पाएगी? बिल्कुल सरकार बचेगी, 100% सरकार बचेगी। सरकार पर कोई खतरा नहीं है। जो हमारे दल के 20 विधायकों को वहां रखा गया है, जिनमें से 6 का त्यागपत्र हो चुका है, 16 विधायक बचे हुए हैं, वो सभी कांग्रेस के मानसिकता के हैं। उनके पूरे रगों में कांग्रेस का खून भरा हुआ है। वो कतई किसी भी सूरत में सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते। मैं एक बात और कहना चाहूँ, बार बार वो वीडियो जारी कर ये कह रहे हैं कि भाई हमें दबाव पे नहीं लाया गया, हम किसी के दबाव पे नहीं आए हैं, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि उसको बंधक बनाया गया? देखिए, ऐसा है, अगर वो दबाव में होते तो हम भाजपा वालों से कहना चाहते हैं या उनको जिन्होंने किडनेप किया उनसे कहना चाहते हैं, आखिर आप उनको छोड़ क्यों नहीं देते भाई? वो स्वतंत्र रूप से आ जाएं, अपने परिवार वालों से मिल लें, इसके बाद उनको टाइम दिया जाए, इसके बाद वो मतलब आए। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि वो हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। आज जो ये रनिंग सरकार है, जो रनिंग सरकार है, उसका फ्लोर टेस्ट का कोई मतलब नहीं होता। वो अविश्वास प्रस्ताव लाएं, हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाएं और उस पर हम बहस कराएंगे, चर्चा करेंगे, और चर्चा के बाद वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद जो निर्णय होगा वो सिरोधार है। क्या लगता है रमेश भाई, आपको जिस तरीके से 6 का अविश्वास मतलब निष्कासित कर दिया गया और 16 को क्यों नहीं? कमलनाथ जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जो 16 विधायक अभी बेंगलोर में, आज पूरे देश को लोगों ने देखा है कि जिस तरह से मोदी और शाह ने नंगी नाच नाची है बेंगलोर में, तो आज ये सिद्ध हो गया है कि जो 16 विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं। वो सदन में आके अपना इस्तीफा अगर देना चाहते हैं तो सदन में आके दें, और कमलनाथ की सरकार पूरी ताकत से 5 साल चलेगी, इसमें कोई शक नहीं। ये मनोज भाई जी जुड़े हुए हैं, मनोज भाई से पूछा हूँ। मनोज भाई, क्या लगता है कि वाकई में बीजेपी ने किडनैप किया है या अपने स्वेच्छा से गए? नहीं नहीं बिल्कुल राजू भैया, उनका अपहरण किया गया है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी, वो इतनी बड़ी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, और जिस तरह वो देख रहे हैं कि जन कल्याणकारी योजनाओं को कमलनाथ जी ने जिस तरह से शुरू किया, आज जिन वृद्धा पेंशनों को 300 मिलती थी उनको सीधे दोगुना करते हुए 600 कर दिया, इधर बिजली का बिल से पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था, कितने हितग्राही जेल चले गए बिजली के बिल के बोझ के दबने के कारण, आज कमलनाथ जी ने उसको 100 रुपया, 1 रुपया बिजली, 1 रुपया यूनिट बिजली बिल करके आज प्रत्येक गरीबों के घर में 100 रुपये से ऊपर बिजली का बिल नहीं आ रहा है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम कमलनाथ जी ने किया था कि किसानों का 2 लाख तक का कर्जा। मैं सीधी सी बात कहूंगा, मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं। ज्योतिराव सिंधिया जी ने 18 वर्ष कांग्रेस पार्टी को दिया, आखिर में क्या जरूरत ऐसी पड़ेगी कि ज्योतिराव सिंधिया डायरेक्ट वहाँ से कूद कर बीजेपी में चले जाते हैं? देखिए, मैं उनके बारे में, वो पहले भी हमारे पार्टी के बहुत सीनियर लीडर थे, उनका काफ़ी सम्मान था, और अगर वो 18 साल उनकी राजनीति हुई तो 17 साल वो कांग्रेस परिवार में ही, कांग्रेस पार्टी से ही वो सांसद रहे और 10-10 साल कैबिनेट में मंत्री रहे। हाँ, ये जरूर है कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी, वो सब दिन कांग्रेस पार्टी में सांसद के पद पर रहे, मंत्री के पद पर रहे, आज उनकी महत्वाकांक्षा ये थी कि आज भी हम अगर पद पर बने रहें, इस मंत्री के कारण, मंत्री बनने के कारण वो भाजपा ज्वाइन किए। 16 विधायक क्यों चले गए आप बताएं? 16 विधायक गए नहीं, अब वहाँ से उनको जबरन ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में हमारे ऊपर खतरा है। एक MLA जो 2-2.5 लाख पब्लिक के बीच से चुन के जाता है, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल महोदय को कभी एक आवेदन तक नहीं दिए कि हमारे ऊपर खतरा है मध्य प्रदेश में, वहाँ उनको किडनैप करके ले जाया गया
और दबाव में कहवाया जा रहा है। यदि मैं चाहता हूं कि यदि वो ये कहते हैं कि हम कमलनाथ जी के खिलाफ हैं, हम किसी के पक्ष में हैं, तो उनको छोड़ दिया जाए, उनके पक्ष में रहें। ऐसा तो नहीं कि कोरोना के चलते वो बचना चाहते हैं, कोरोना वायरस के चलते कहीं ना कहीं पर अविश्वास। भैया कोरोना वायरस के चलते जब 228 विधायक नहीं 222 विधायक नहीं बच पाएंगे तो क्या 6 विधायक बच जाएंगे तो हमारा मध्य प्रदेश खुशहाल हो जाएगा? कोरोना की आड़ में बचना चाहते हैं कमलनाथ जी? कोरोना की आड़ में नहीं बचना चाहते हैं कमलनाथ जी। तो कहते हैं जब बीजेपी वाले कहते हैं फ्लोर टेस्ट, तो कहते हैं करो ना करो ना, हम तो कहते हैं कि ये फ्लोर टेस्ट करवाना है तो करवाइए। और क्या लगता है आपको कि अगर अगर कमलनाथ की सरकार नहीं गिरती है तो बीजेपी पे क्या फर्क पड़ेगा? कमलनाथ सरकार अगर नहीं गिरती है तो बीजेपी बुरी तरह से डाउन होगी और उनको अपने किए हुए कार्यों का पछतावा करना पड़ेगा और पूरे भारत देश की पब्लिक देख रही है। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्या उम्मीद है आने की? निश्चित रूप से अगर न्यायालय प्रक्रिया पर हम सबका विश्वास है, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा वो सही करेगा और जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा हम सब उसको मानने के लिए बाध्य हैं। पूरे मामले पर सोनिया गांधी जी का बयान कहीं पर नहीं आया? देखिए सोनिया गांधी जी हमारी लीडर हैं और हो सकता है कि वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं और जब उचित अगर सलाह की ज़रूरत पड़ेगी कमलनाथ जी को तो निश्चित तौर पर वो उनसे बात करेंगे और उनका मार्गदर्शन सदैव पार्टी के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। यूपी का प्रभारी बनाया गया था, यूपी के प्रभारी के साथ में प्रियंका जी के साथ में वो अपने काम किया, प्रियंका गांधी भी कहीं कुछ नहीं बोलने को तैयार हैं इस मामले पर? सिंधिया जी वरिष्ठ नेता हैं पर महत्वाकांक्षी के कारण वो लालच में आ गए। नहीं मैंने प्रियंका गांधी इस मामले पर क्यों सामने नहीं आ रही हैं? अब सामने आने का कोई वो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, जब मध्य प्रदेश के ही नेता काफ़ी हैं सिंधिया से निपटने के लिए तो ज़रूरत नहीं है। तो क्या सिंधिया भारी पड़ रहे हैं कमलनाथ पर? अभी तो फिलहाल 16 विधायक हमारे आ जाएंगे तो सिंधिया जी मध्य प्रदेश के भविष्य साबित होंगे। देखिए साफ तौर पर कहीं ना कहीं पर बात जरूर है कि सिंधिया क्या कमलनाथ पे भारी पड़ रहे हैं? एक सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है कि कमलनाथ के सामने सिंधिया ने विरोध किया और सीधे सीधे 20 से 22 विधायक लेकर चले गए, तो क्या लगता है सरकार बच जाएगी? भारी व्यक्ति कभी भागता नहीं है। सिंधिया जी यदि इतने भारी होते तो भागते नहीं। जहाँ रही बात सरकार की, सरकार कहीं जाने वाली नहीं है। यदि बीजेपी में दम है और ये कहते हैं कि कांग्रेस सरकार जो है तो अल्पमत में है तो सदन में अविश्वास लाएं, हम लोग उसका सम्मान करते हैं और अविश्वास प्रस्ताव को गिरा के दिखवाएंगे। साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कांग्रेस के जितने भी सदस्य कांग्रेस के हैं, हम विधानसभा क्षेत्र सियावल में खड़े हुए हैं जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कि सरकार सुरक्षित है, सरकार नहीं गिरेगी। ये तो खैर देखने वाला दिलचस्प होगा कि हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है, आगे क्या रणनीति बनती है। तो बने रहे ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ों के लिए, हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस श्री कृष्ण ब्रदर्स एंड सेल सर्विस, वाटर प्यूरिफाई, वाटर प्लांट, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर, मिनरल वाटर 20 लीटर, एयर कंडीशनर, टाटा वोल्टास, गीजर एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। पता है पुरानी मार्केट सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9179603939, 8109422688। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। चलते चलते एक चीज बोलना चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। साथ ही गूगल प्ले स्टोर में जाकर पोल खोल पोस्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करें जिससे नई अपडेट आपको तुरंत मिले। साथ ही आपको एक खुशखबरी देना चाहेंगे कि हमारा जो है FM रेडियो जल्द चालू होने जा रहा है। धन्यवाद।